शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि बेहद खास होती है। वजह है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 8वें दिन आप महागौरी देवी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इसी कड़ी में लोकल 18 ने काशी के ज्योतिषाचार्य संजय उपाध्याय से बात की। उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि पूजा के दौरान किन चीजों का भोग लगा सकते हैं, माता रानी को कौन से फूल अर्पित कर सकते हैं, माता का स्वरूप कैसा दिखता है और वो कौन से मंत्र हैं जिससे देवी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। देखिए, आठवें स्वरूप में 9 दिन की जो पूजा होती है नवरात्र में, उसमें आठवें दिन आठवें स्वरूप में महागौरी की पूजा होती है। मान्यता है कि महागौरी की पूजन के दौरान सफेद चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन पूजा में लाल नहीं बल्कि सफेद गुड़हल, कुंद, बेला जैसे फूल अर्पित करें। साथ ही माता को सफेद वस्त्र और भोग में सफेद रंग की मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाएं। इन सब के अलावा नवरात्रि के आठवें दिन की सबसे खास बात है कन्या पूजन। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे की वजह ये है कि माँ महागौरी कन्या स्वरूप है। इस दिन कन्याओं को पूजने से देवी का आशीर्वाद मिलता है। पंडित संजय उपाध्याय बताते हैं कि देवी के पूजन से धन धान्य, ऐश्वर्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। महागौरी गौरवर्ण की है और गौरी रूपी है, इसलिए कन्या स्वरूप में है। इस दिन की विशेष करके कन्याओं का पूजन करने से देवी मनवांछित फल की प्राप्ति कराती है। जय भी। अब हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि महागौरी का स्वरूप कैसा दिखता है। दरअसल वैसे तो माता के 9 स्वरूपों की विशेषताएं एकदम अलग है, लेकिन क्या आप महागौरी देवी के स्वरूप के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजा में त्रिशूल और डमरू है, जबकि 2 अन्य भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी का ये स्वरूप बेहद सौम्य और शांत है। माता श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि माता महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सफेद वस्त्र धारण की हुई हैं। इनको सफेद पुष्प चढ़ता है, सफेद भोग ही लगता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन यानी महागौरी की आराधना के समय किन मित्रों का जाप किया जा सकता है, जिससे माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहे। तो जान लीजिए कि आप या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः और ओम ऐ ह्री क्ली महागौरी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रहे, नवरात्रि के 8वें दिन इन मंत्रों का जाप 108 बार करें। इससे देवी जल्द ही प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से अन्न और धन धान्य और का भंडार घर में भरा रहता है। वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि लोकल 18 ने अब तक पहले से लेकर 7वें स्वरूप तक हर एक रूप के बारे में पूरा जानकारी दी है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए लोकल 18।